आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार में छठ पूजा में बनने वाली बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसे ठेकुआ बोला जाता है, जो बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप गुड़। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1/2 कप ले लेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। 1 चम्मच ले लेंगे इलायची पाउडर। 2 चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हमें पहले मिला लेना है अच्छे से। और अब ले लेंगे 1 कप दूध और थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध को ऐड करना है। बहुत ढीला आटा नहीं लगाना है हमें, इसका थोड़ा सख्त ही लगाना है, तो इसलिए दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। और अच्छे से इसे गूंथ लेना है। ठेकुआ का आटा जो है थोड़ा सख्त ही लगाना पड़ता है, इससे ये काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए आटा जो है हमने गूंथ लिया है और इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और दूध जो है 1/2 कप के करीब बच गया है। हाथ पे लगा लेंगे घी और अब ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। लोई ले लेंगे, जितने साइज़ का आपको बनाना है उसके हिसाब से आप लोई ले लेंगे और इसे बहुत पतला नहीं करना है, बिल्कुल हाथ से ही गोल गोल शेप दे देनी है। और इसके ऊपर डिज़ाइन डालने के लिए मैंने ले लिया है फोर्क और उसकी हेल्प से जो है इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। ये डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए एक डिज़ाइन ये है, तो मैं सारे डिज़ाइन इसी तरह से आपको बना के दिखाऊंगी अलग अलग से। आपको जो सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा आप भी उसको बना सकते हो, तो दूसरे वाले को भी इस तरह से बना लेंगे। थोड़ा मोटे साइज़ में ही इसे रखना है। अब स्पून ले लेंगे, उसकी जो नुकीली वाली साइड है उधर से हम इसे लाइन्स बना लेंगे और दूसरा डिज़ाइन ये बन गया है आपका। अब हम तीसरा वाला बना लेंगे। हाथ से ही इसे बनाना है और ये देखिए इस तरह से लाइंस बना लेंगे पहले और फिर ऊपर से भी हम लाइंस बना लेंगे इसके, तो एक स्क्वेयर्स के जैसे बन जाएंगी। तो ये देखिए तीसरा डिज़ाइन भी हमारा बन गया है। एक लोई फिर से ले लेंगे और इसको भी हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करके गोल कर लेंगे और फिर से स्पून ले लेंगे और लाइंस बना लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन बनानी है, अब जो है थोड़ी सी तिरछी कर देंगे लाइन को, तो इससे जो है बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन और बन जाएगा। ये देखिए देखिए ये बढ़िया सा डिज़ाइन बन गया है। अभी एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। फिर से लोई लेंगे और गोल कर लेंगे, हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस करके इसे गोल कर लेना है और फिर से स्पून से हम पहले बीच में लाइन लगाएंगे और ये एक लीफ का डिज़ाइन है, पत्ते की शेप को हम बना रहे हैं, तो इस तरह से हमें लाइंस को लगाना है। और ये देखिए एक बढ़िया सा डिज़ाइन ये भी बन गया है। तो मैंने सारे डिज़ाइंस बना लिए हैं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं इससे, तो आपको जो पसंद है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, नहीं तो ठेकुए जो हैं वो फट जाएंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं।
और गैस को भी लो मीडियम ही रखना है अभी। और जितने हमें ठेकुए डालने हैं हम डाल लेंगे इसमें, और इनको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे जब तक ये नीचे से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, तो इन्हें टर्न कर लेंगे। देखिए ये जो है गोल्डन कलर में हो गए हैं, तो सारे ठेकुए हम पलट लेंगे। और दूसरी तरफ भी हमें गोल्डन कलर में करना है, फिर उसके बाद ही इन्हें टर्न करेंगे। ये देखिए दूसरी वाली साइड से भी ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, इन्हें टर्न कर लेंगे। और इनका बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से दिख रहा है इनका। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और इन्हें अभी जो है निकाल लेना है हमें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में, कुकीज़ के जैसे लगते हैं बिल्कुल। तो आप इस बार ज़रूर इसे बनाकर खाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरह मैं दूसरा वाला बैच भी इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और नीचे जो अंदर से हैं इनके ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को लो मीडियम रखें और तेल को भी मीडियम ही गर्म रखना है। और देखिए गोल्डन हो गए हैं नीचे साइड से, और इन्हें टर्न कर लिया है अब। दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो गए हैं, इन्हें फिर से टर्न कर लेंगे। तो ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। देखिए इनका डिज़ाइन कितना बढ़िया लग रहा है बनने के बाद। तो इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से हमारे ठेकुए बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया से ठेकुए बन गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।